हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल अंकित चतुर्वेदी लेक्चर ऑफ साइंस एंड वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट साइक्लोन सेपरेटर। उसके पहले आप लोग जान लीजिए कि हम लोग पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में साइज सेपरेशन का ऑब्जेक्टिव अप्लीकेशन सब कुछ पढ़ चुके हैं। आप लोग हमारे पिछले वीडियो में जाके पढ़ लीजिएगा। और इससे और एक पढ़ाए हैं साइज सेकर मशीन, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग उसका वीडियो ना देखे हो जाके देख लीजिएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ना ज्वाइन हो तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सब कुछ नोट्स अवेलेबल है पहले से ही। तो स्टार्ट करते हैं साइक्लोन सेपरेटर। इसमें पढ़ना है हमको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इसको हम नोट्स के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं इसको पढ़ाने के लिए। तो चलिए देखते हैं प्रिंसिपल इन साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज किया जाता है टू सेपरेट द सॉलिड, सॉलिड को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम फ्लूइड में। द सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड, सेपरेशन प्रोसेस डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज। जो सेपरेशन है वो डिपेंड ओनली साइज पार्टिकल्स पे नहीं करता है, बट ऑल्सो ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे हम, डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड वेलोसिटी द साइक्लोन सेपरेटर कैन बी यूज टू सेपरेट ऑल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। इट ऑल्सो पॉसिबल टू अलाउ फाइन पार्टिकल टू बी कैरीड बाय द फ्लूइड। ठीक, अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ ए शॉर्ट वर्टिकल सिलेंडर विथ वेसल्स ए कॉनिकल बेस। शामिल होता है शॉर्ट वेंट्रिकल में सिलेंडर वेसल्स विद ए कॉनिकल बेस। द अपर पार्ट ऑफ द वेसल इज फिटेड विथ ए ट्रायंगुलर इनलेट। द आउटलेट और सॉलिड आउटलेट इज अरेंज टू द बेस। ऐसे ही बना के लिख देंगे, आप लोग फिगर देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिगर, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा इसको, कंस्ट्रक्शन को पूरा, इसके फिगर को आप लोग एकदम अच्छे से देखिए। देखिए यहाँ पे क्लीन्ड गैस आउट, ये हमारा देखिए ट्रायंगुलर इनलेट है डस्ट, और डस्टिंग गैस इन यहाँ से होता है। इनर वॉर्टेक्स एक्जल डस्ट आउट होता है यहाँ से, ये फाइन पार्टिकल क्लीन गैस। आउटलेट ट्यूब हमारा ये है, ये बैरल, आउटर वॉर्टेक्स कौन, यही हमारा है साइक्लोन सेपरेटर का स्ट्रक्चर, और इसी पे हम अपना कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में बस स्ट्रक्चर को बना के एक दो लाइन लिख देना है, हमारा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्किंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो वर्किंग इसका क्या है उसको देखते हैं। इसका वर्किंग है ये देखिए, द सॉलिड टू बी सेपरेटेड आर सस्पेंडेड इन ए स्ट्रीम ऑफ गैस सच ए फीड इज इंट्रोड्यूस्ड ट्रायंगुलरली एट ओवरी हाई वेलोसिटी so that rotatory movement take place within the vessels. The centrifugal force are vertexing through the solids to the wall. As the speed of air diminishes at the particle fall the conical base and are discharged through the solid outlet. The fluid can escape from the
सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इसमें लिखें या ना लिखें तभी कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका यूज लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका यूज देख लेते हैं, साइज सेपरेशन का यूज क्या है, एक दो पॉइंट हम बना के अपने से लिख देंगे। फर्स्ट पॉइंट, साइज सेपरेशन इज यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम गैस। इसका यूज यही होता है कि सॉलिड को गैस में सेपरेट करना। इट इज ऑल्सो यूज फॉर साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक, इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग द हैवी कोर्स फ्रैक्शन फ्रॉम फाइन डस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख देंगे हम, साइक्लोन सेपरेटर ऑल्सो यूज फॉर साइज सेपरेशन ऑफ सॉलिड सस्पेंडेड इन ए लिक्विड सच एज वाटर। सच सेपरेटेड आर नोन एज वेट आर लिक्विड साइक्लोन। ये हमारा हो गया साइक्लोन सेपरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एयर सेपरेटर। तो उसको आप लोग ज़रूर देखना जो हम अपलोड करने वाले हैं जल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल।